देखिए ये एक ऐसी डिलीवरी है जो मैच्योरिटी स्टेज में होगी। आप तो बोल रहे थे कि न्यूटन के पापा गरीब थे। हाँ तो गरीब ही थे ना, आप उसने अमीर थोड़े बोले, इसीलिए छोड़ के चले गए। आइए देखिए इंडिया इंडियन ही मतलब फॉरेन नहीं होता था। तो कहने का मतलब मेरे बच्चे ये था, इधर 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 बेटा इधर, हमने बोला यहाँ पे कि 6 to 7, 6 to 9 ये ऐसा स्टेज है जिसके अंदर 12 स्टेज बच्चे में चलती रहती है। इसी के रिस्पेक्ट में कहा जाता है कि इस दुनिया में हमेशा हमेशा रखना, इस दुनिया में सबसे पहले फीमेल ही पैदा होती है, आती है। इसके बाद फिर कैरेक्टरों का ट्रांसफर होता है, वो लड़का बनता है कि लड़की ही बनी रहेगी, वो एक अलग मैटर है, लेकिन सबसे पहले तो लड़की बनी आएगी। मतलब जो लड़का भी आया वो पहले लड़की ही था। हाँ ये बात सही है, इस दुनिया में सिर्फ लड़की पैदा होती है सबसे पहले, इस दुनिया में फीमेल ही आई है। कहने का मतलब मेरे समझ में आया कि आया क्यों भैया? आया बेटा इधर देखो, यहाँ पे बाइक बाइक को मैं टू ईयर बता रहा है, क्या टू ईयर बताया बाइक को बेटा, बाइक को मैंने टू ईयर बताया था, यूनिकॉर्न नहीं बता रहा, समझ आपको क्या? एक ऐसी स्टेज है जो सिंगल कैरेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे बता देता हूँ, हैप्लांटिक स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है हमेशा रखना, जहाँ पे ज्ञान लगा हो समझ जाना हैप्लांटिक स्टेज है। मुझे लगता है कि मैं पूरा फाइटर ना खत्म कर पाऊंगा, क्योंकि जानते हो क्यों? क्योंकि फाइटर में डायरेक्ट चाहूँ तो पढ़ा दूँ लिखवा दूँ, लेकिन मजा नहीं आएगा। मैं फाइटर के अंदर जितना भी मैटर पढ़ा है, रिप्रोडक्शन के अंदर जितना मैटर पढ़ा है, उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। अगर पहुँच पाऊंगा तो पहुँच पाऊंगा, लेकिन फाइटर छोड़ दूंगा, बात समझ आ रही ना? हाँ, ताकि आपको बेसिकली ज्ञान हो जाए। अगर मैं बेसिकली नहीं बताऊंगे सब, फाइटर कहाँ से पकड़ पाओगे, उसके सारे सवाल कहाँ से कर पाओगे? अगर मैं एक बार फाइटर खत्म कर दूंगा तो फाइटर से इतने क्वेश्चन बनाऊंगा तो पकड़ा ही जाओगे, इतने क्वेश्चन बनते क्या सोच नहीं सकते। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर था बेटा, ये एक स्टेज ऐसी है जिसको हैप्लांटिक स्टेज कहते हैं। चाहे यूनिस देखो यहाँ पे यूनिसेक्सुअल को हैप्लांटिक स्टेज भी कहते हैं। हैप्लांटिक मतलब होता है एक इकलौता, यूनिक मतलब होता है एक इकलौता सिंगल, समझ आ रहा ना? तो सिंगल वाले सिर्फ सिंगल लाइन से डिनोट करेंगे, सिंगल लाइन से अगर डिनोट करेंगे तो इसलिए हमारे पास एक शब्द और है जिसका नाम है हैप्लांटिक। चाहे हैप्लांटिक कह दो, चाहे एन कह दो, चाहे सेम बात है, एक को शो कर रहा है, बात समझ रहे ना? ये बहुत लोग को शो कर रहा है, बहुत का मतलब होता है कि दो ही लोग यार एक के साथ। अब वो एक अलग बात है कि कई लोग शुरू हो जाते हैं, हम नहीं बता सकते आगे। पहले मतलब एक बाइसेक्सुअल मतलब होता है कि दो या दो से अधिक कैरेक्टर, बात समझ रहे? इसके अलावा उसको हम टू एल स्टेज कहते हैं, बात समझ रहे ना? स्टेज को बात समझ रहे नहीं आ रही? मैं सारा सारा डाटा खत्म कर चुका हूँ, आपको बता दूँ यहाँ पे रिप्रोडक्शन में ह्यूमन में और प्लांट दोनों रिप्रोडक्शन में बहुत ही अद्भुत चीज पड़ी है जो मैं बता नहीं सकता, बताऊँगा फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे मैं साथ साथ पढ़ाऊंगा तुम्हारे बाइक में आई फोन आई डोंट नो मुझे आती है, बट फिर बता देता हूँ बाबा जी का। हाँ बताए क्या बाबा जी? हाँ हमें बता दूंगा, हम रिप्रोडक्शन के अंदर वो सारी चीजें कवर करेंगे आज, सब समझ आपको जितना हमको हम रिप्रोडक्शन के अंदर पूरी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे, समझ आपने? और उसके अंदर हमारा मोस्ट ऑफ फाइटर खत्म होगा, लेकिन फाइटर मैं सिर्फ एक बार नहीं पढ़ाऊंगा, फाइटर मैं तीन लेवल पढ़ाऊंगा आज भी जितने टाइम मिलेगा। पहला सिंपल फाइटर जिसे पूरा डाटा आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, दूसरा मैं हैप्लांटिक की एक अलग साइकिल बनाऊंगा, डिप्लांटिक की एक अलग साइकिल बनाऊंगा और हैप्रो डिप्लांटिक की एक अलग साइकिल बनाऊंगा। मैं आपको बताया हैप्लांटिक जेन वाली स्टेज, डिप्लांटिक पुलियन स्टेज, हैप्रो डिप्लांटिक जेन्यून आर आर रिंग, तीन सर्कल में तीन साइकिल में बताऊंगा और चौथी साइकिल हमारी फाइटर हो जाएगी, टोटल आप चार साइकिल बताऊंगा। परासरण में मैंने एक डेफिनेशन खत्म किया था ऑस्मोसिस, उसके अंदर दो डेफिनेशन मैंने छोड़ दिया था, दो डेफिनेशन बाद में पाऊंगा टाइम भी, ठीक है। मैं पहले मैं ऐसा मतलब रिप्रोडक्शन के अंदर जितनी काम की जानकारी है जो आपको जानना चाहिए जिससे आपकी उसमें पकड़ हो वो सारी चीज़ें आप डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। और कई चीज़ मैं डिस्कस कर भी चुका हूँ पहले, सब तुम्हें पता है। पहले का मतलब मेरे बच्चे ये था कि भैया जो दिस इज द, अगर हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन की, समझ आ गया एनिमल, बट एनिमल में अगर बात करें बेटा एनिमल प्राइमरी हो गया बेटा, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कौन गुर्दा से गया? मेरे ख्याल से ओवरी, गलत जवाब, मैं ओवरी पे आ गया, अभी उल्टा था ना ओवरी, बेटा इधर इधर समझ बात बेटा। अब मैं तुमको वही बता दूं जो तुमने बता दिया सर बेटा, ये रहा आपका एक बात, समझ रहा, ठीक है। इसको कहते हैं एनिमल, क्या कहते हैं? एनिमल, इसको कहते हैं प्राइमरी।
एंड्रूशियम कौन सा पार्ट है बेटा? मेल पार्ट है ना। तो आप देखिए प्लांट में रिप्रोडक्शन ये है, प्लांट में मेल का रिप्रोडक्शन यहाँ से होता है, बात समझ आ रही है। अगर हम बात करते हैं कि प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कौन है प्लांट के केस में, कौन हो गया? स्पोर। बात समझ आ रही है? स्पोर की माध्यम से सब कुछ होगा। अभी देखो स्पोर खुले गया, ब्लास्ट होगा, ढेर सारे स्पोर ना निकल आए, निकलेंगे ना। स्पोर ऑर्गन है। हाँ बेटा एंथर के अंदर स्पोर भरा। हाँ। बेटा ये जब ब्लास्ट होगा ना तो स्पोर निकलेगा ना। हाँ। स्पोर निकलने के बाद जमीन में देखो अर्थ में क्या होता है पता है? अर्थ से जर्मिनेट करेगा और नए नए प्लांट उगा देगा, काम हो गया जी ना। फ्लावर में आशा करिए मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं वीडियो से थोड़ा करवा दूँ ताकि ये वाला समझ में आ जाए जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक वो समझ आ रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये कि अगर प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में मेल कहानी समझ में आई? फीमेल बेटे इधर देखो फीमेल ये रहा फीमेल बड़े स्टिग्मा थे ओबरी थी समझ बात ओबरी बड़े ये पूरा पार्ट क्या कह रहा था डायनोशियम बेटा डायनोशियम फीमेल पार्ट हो ये तो हमेशा याद रखना कि ये जो पार्ट है रिप्रोडक्शन करने के लिए ये पूरा पार्ट किसमें फीमेल में प्लांट के केस में चल रहा है ठीक है। मैं ह्यूमन केस में बताऊंगा अभी तो वो समझ में आ जाएगा। भैया आप उनको बता दें ये ओवरी है कौन है ओवरी बड़े ये रहा ओवरी समझिए आपको ओवरी है कौन है ओवरी बड़े ये ओवरी है ना ओवरी के अंदर बैठे ओव्यूल कौन बैठे हैं ओव्यूल के अंदर बैठे ओवा कौन बैठे हैं ओवा पूरी कहते हैं अंडा क्या कहते हैं क्या कहते हैं बेटा अंडा ये अंडा का ही फर्टिलाइजेशन होता है किससे मिलके स्पोर से जब अंडा स्पोर मिलते हैं ना तब फर्टिलाइजेशन होता है फिर नए नए प्लांट उठते हैं ना। तो हमने यहाँ पे रिप्रोडक्शन करवा दिया कि नहीं करवा दिया इसी रिप्रोडक्शन भैया काट के गुजरा मैंने पहले सोच लिया था क्योंकि ज्यादा लॉन्ग नहीं ला सकता मुझे फसाने होते ना रिप्रोडक्शन ओवरी में है प्लांट जमीन से कैसे निकलते हैं यहाँ पे हमने एक प्लांट बना दिया समझ बात को ठीक है समझ बात को बड़े समझे हम ये कह रहे हैं देखिए ये जो होता है ना कभी कभी एयर के थ्रू एयर के थ्रू क्या होता है स्पोर उड़ जाते हैं ठीक है जब उड़ेंगे तो दूसरे के स्टिग्मा में जाके गिर जाते हैं पहली ठीक है फिर स्टिग्मा फिर स्टाइल पे ओवरी उड़ते चले जाते हैं बाद में स्टाइल मारते हुए अपना काम करते हैं। पहला केस दूसरा केस मैं भी पढ़ा नहीं रहा बस आपको मैं दिखा रहा हूँ ठीक है इसके ऊपर मैं लिखवाऊंगा परिभाषा लिखवाऊंगा सब लोग का चित्र भी बनाऊंगा अलग अलग ठीक है पूरी प्रोफेशन करूँगा नॉर्मली बता दूँ भाई कंफ्यूजन रहे दिमाग में पहला यह समझाना दूसरा हो गया वाटर बेटा वाटर कभी कभी बाहर आ जाते हैं तो जो छोटे छोटे चारे दिख रहे हैं ना अभी चारे छोटे ना तो आप देखिए एक साल कई कई जगह में चारा अपने आप उगाता है ठीक है ग्रास निकलाते हैं समझ उसका रीजन होता है कि ये एयर के माध्यम वाटर के माध्यम से पानी बह रहा है ठीक है कभी कभी पानी उसके ऊपर से जाता है किसके प्लांट के ऊपर जाता है छोटे छोटे चारे ठीक है तो ये केस हो गया पहला दूसरा केस हो गया कभी कभी प्लांट नीचे से जाता है पानी ठीक है यानी अगर हमारा इतना बड़ा ग्रास का पेड़ है प्लांट है तो हमारा पानी यहीं तक जा रहा है उसकी वजह से क्या होता है कि ये आगे पीछे होता है इसके भी स्पोर गिरेगी ये सब चीजों में स्पोर पा जाता हर एक प्लांट में स्पोर पा जाता समझे बात को जब ये नीचे गिरे तो ये वाटर के माध्यम से ट्रेवल कर जाते हैं और कहीं जाके मिल जाते हैं काम शुरू कर देते हैं जरूरी नहीं है कि फ्लावर के अंदर ही सब कुछ पाया जाए आप ये भी दिमाग में डाल रहे हो आपने बताया था कि फ्लावर के अंदर ही ओवरी होती है हां नहीं नहीं हर प्लांट में नहीं होती यार पागल क्या हमने यहाँ पे जब तुम्हारे किताब जो दसवीं किताब बना बड़े देखो दसवीं किताब में ओनली फ्लावर का कुछ अंदर का बना ठीक है मेरा फोकस था कि आपको पूरा फ्लावर की स्टडी करवा दूँ ठीक है लेकिन आप अगर ओनली रिप्रोडक्शन पढ़ोगे रिप्रोडक्शन से पढ़ोगे बच्चे तब आपको पता चलेगा सुनो तो पता चलेगा कि कुछ प्लांट होते हैं समझ लो कि ये लीफ हो गया लीफ के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है पता मुझे क्लोरोफिल की वजह से पत्तियाँ हरी होती है बस नहीं है लेकिन जानते हो लीफ में एक और स्पेशल गुण पाया जाता है फिलोजेनेटिक गुण पाया जाता है ये फिलोजेनेटिक के अंदर ही मेरे स्पोर और स्पर्म स्पोर और अंडर दोनों एक ही साथ पाया जाते हैं अब पागल निकलते हैं एग्जाम्पल वो है ना आपका एलोवेरा बेटा इधर एलोवेरा एग्जाम्पल आपका एलोवेरा
लेना, बहुत सारा मैटर पड़ा है। पहले मतलब ये है।